फिर से आप लोगों के लिए एक जबरदस्त लोन एप्लीकेशन लाया हूँ, लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हो। सक्सेस हुआ है, 13,870 रुपए हैज बिन डिसबर्स सक्सेसफुल टू योर बैंक अकाउंट। जिस भी दोस्त का यहाँ पर अप्रूवल करवाए हैं उनका जो है 15,000 का लोन अप्रूवल हुआ था, 13,870 रुपए जो है उनको मिला है। बाकी का डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिला, कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा सब कुछ जो है लाइव में आप लोगों को दिखाऊंगा। कौन सा एप्लीकेशन होने वाला है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, NBFC है। अगर आप लोग इससे लोन लेना चाहते हो तो लोन ले सकते हो। ज़्यादा कुछ जो है पुराना है, लेकिन यहाँ पर जो भी है उतना ज़्यादा डाउनलोड्स वगैरह है नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हो इससे लोन लेना तो इससे लोन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरा प्रोसेस देखोगे उसके बाद अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली इससे लोन मिलने वाला है। सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, और कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग लाइव देख सकते हो यहाँ पर 13,870 रुपए यहाँ पर लोन मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज। तो यहाँ पर जो भी है 14 दिन के लिए, सॉरी जो भी है टेन्योर आप लोग देख सकते हो कितना है, और बाकी का जो है कितना EMI पड़ रहा है वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी का डिटेल्स आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना उसके बाद अप्लाई करना, डेफिनेटली आप लोगों को इस लोन एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक यूनिक सा लोन एप्लीकेशन लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बहुत साल पुराना है, 2019 का लोन एप्लीकेशन है। लेकिन आप लोगों को बता दूँ इसमें रेटिंग्स कुछ खास नहीं है, लेकिन अप्लाई करने पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 13,870 रुपये डिसबर्समेंट हुआ है। लगभग यहाँ पर मैंने 10 बार ट्राई किया, रिजेक्शन मिलने के बाद ये जो है फाइनल अमाउंट जो है मिला है। अलग अलग तरीके से मैंने ट्राई किया था, एक सब्सक्राइबर दोस्त का जो है अप्रूवल हो चुका है, तो वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसके थ्रू यहाँ पर मुझे पैसा मिला है। आप लोगों को भी अगर चाहिए तो वही प्रोसेस अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी मिलेगा। और ये एक यूनिक लोन एप्लीकेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराना लोन एप्लीकेशन होने के बावजूद ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं है, ज़्यादा लोगों में यहाँ पर लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करते लोगों के पास। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्राई करोगे तो डेफिनेटली इससे लोन मिलेगा। 13,870 रुपये अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, 15,000 का यहाँ पर अप्रूवल मिल रहा है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इससे लोन मिलेगा। और ये एक चीज़ है, सस्ता से सस्ता लोन दे रहा है। क्यों? टेन्योर देखो भाई, 13,000 का लोन 15 महीने के लिए कौन देता है? कभी सुना है आपने? 1,000 रुपये करके, मतलब 1,100 रुपये करके EMI आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेट पर लोन मिलने वाला है, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुझे पैसा नहीं दिया प्रमोशन करने के लिए। मेरा ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मिला है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसका नाम मैं बता दूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर पे मैं कुछ खास दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं दिखने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा ये एप्लीकेशन आप फोन पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते ही जो सबसे पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा स्क्रीन, जो कि यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट लैंग्वेज का पेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेटिंग्स आप लोग देखोगे ना, 2.9 का रेटिंग्स है। आप बोल सकते हो कि भाई आप बोल रहे हो कि पैसा मिल रहा है, अब रेटिंग्स इतना ख़राब है, आप सिर्फ रेटिंग्स को देखोगे, रेटिंग्स देखोगे तो उसमें नहीं होगा, रेटिंग्स को पढ़ना भी होगा। उसमें पढ़ना और उसमें रेटिंग्स जो लिखा है ना, वो किस लिए रेटिंग्स खराब है पता है? ये एप्लीकेशन बार बार क्रैश करता है, एप्लीकेशन खोलोगे ना बार बार ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैसा मिलता है, वो जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जो है लोग जो है इसमें ज़्यादा आया नहीं है, ठीक है, लोगों को पता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन सच में ही जो है क्रैश करता है, क्योंकि मेरा जो है 2-3 बार क्रैश कर गया था, लेकिन बाद में जो है क्रैश नहीं किया। तो शायद आपके फ़ोन पर भी क्रैश हो सकता है एप्लीकेशन, ठीक है। अगर क्रैश हो जाता है तो आप लोग दोबारा मतलब उसको ओपन करना, 2-3 बार ओपन करना, क्रैश होते ही तो आप लोगों का एप्लीकेशन रन करेगा ठीक से, ठीक है। तो ये जो है पहले लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले एक ही लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में कुछ परमिशंस मांगेगा, जो कि SMS का परमिशंस होगा, ठीक है, SMS का परमिशंस होगा, कॉन्टैक्ट का परमिशन होगा, लोकेशन होगा, डिवाइस का परमिशन होगा। तो आपको परमिशन लेना होगा, ठीक है, मतलब देना होगा उन लोगों को। तो परमिशन दोगे तभी वो लोग आपको अंदर जाने देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है, क्या आप मतलब उसको परमिशन देने के लिए आप सही हो, ठीक है, आप परमिशन देने में कंफर्ट हो? तो आर यू बोल रहा है, आर यू फाइन इन गिविंग एक्सेस टू परमिशन अबव परमिशन? तो यहाँ पर आप लोग येस करना होगा, येस पे टिक करना होगा, कंफर्म करना। कंफर्म करते ही नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो परमिशन आपने दिया है वो अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो एक एक करके आपको अलाउ करना होगा, ठीक है, जितने भी परमिशन आ रहे हैं वो डोंट अलाउ मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब जितने भी परमिशन आप लोगों से मांग रहे हैं सब दे दीजिएगा। अब नेक्स्ट में आप लोगों को जो है यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ है वो है रजिस्टर करना, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। वो नंबर आप लोग डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग किसी और का आधार कार्ड नंबर वहाँ पर मतलब जो भी नंबर लिंक है घर वालों का उनका नंबर से आप कर सकते हो। जनरेट OTP करना, जनरेट OTP जैसे करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो OTP यहाँ पर आ चुका है। तो OTP आने के बाद ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा, वेरीफाई होते ही नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है पर्सनल लोन गेट अप टू 3 लाख फॉर 36 मंथ्स ऑफ EMI। 3 लाख तक का लोन मिल सकता है 36 महीने तक, ठीक है, लेकिन इतना लोन नहीं देगा अगर आपका सिविल कम है, अगर आप डिफॉल्टर हो, कम लोन आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाया पहले, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, लोन तो मिलेगा ना कुछ ना कुछ, तो आप लोग अप्लाई करना, सिंपल अप्लाई में क्लिक करना। अप्लाई में क्लिक करोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा, मतलब उसी पेज में एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको बोला जा रहा है पिन कोड आपको
एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये लोन एप्लीकेशन सभी को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। सभी को मतलब क्या है, सभी को लोन प्रोवाइड करेगा लेकिन स्टेट सिटी जो होता है ना वो सिलेक्टेड जगह पर है। यहाँ पर आप लोग अपना पिन कोड डालना, ठीक है, पिन कोड डालना। इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत बार अप्लाई किया था रिजेक्शन हो रहा था, ज़्यादातर जो है यहीं पर रिजेक्शन हो जा रहा था कि पिन कोड सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, बोलेगा सर्विसेज जो है नॉट अवेलेबल। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना, पिन कोड डाल देना, पिन कोड डाल के देख लेना कि आप लोगों का सर्विस है या फिर नहीं है। तो मेरा यहाँ पर जो भी है 10-12 बार अप्लाई किया था तो यहीं पर जो है ज़्यादातर रिजेक्ट हो गया था, और एक लास्ट वाला जो भी मैंने अप्लाई किया था उनका जो है सर्विस निकल गया। तो वो चेक करने पर ही एप्लीकेशन जो है नेक्स्ट पेज में लेके गया, जो कि ये वाला पेज। अब ये वाला पेज जो भी आएगा, जब भी आएगा, मतलब आप सोच लीजिएगा कि आप लोगों को अंदर जाने देगा और आप लोगों को लोन भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रोफाइल में जाना होगा, जहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले प्रोफाइल बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, लोन का डिटेल्स के बारे में यहाँ पर होगा, उसके बाद जो है बैंक का डिटेल्स डालना होगा, सेल्फी डालना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा और कंटिन्यू के आप लोग नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कंटिन्यू आप लोग क्लिक करना। तो सबसे पहले जो है आप लोगों का KYC डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि आधार का। तो आधार का 12 डिजिट का नंबर आप डाल दीजिएगा, डालेंगे जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो आधार का एक OTP आएगा, जो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। OTP आप लोगों को सही तरीके से डालना होगा, डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो एज पर आधार आप लोगों का सेल्फी वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेल्फी लेना पड़ेगा। यहाँ पर सेल्फी, ऐसा नहीं कि सेल्फी आएगा लेकिन आधार कार्ड का जो नंबर, नाम वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ यहाँ पर शो करने लग जाएगा, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन सेल्फी को क्लिक करके आपको सेल्फी लेना होगा। सही तरीके से सेल्फी लीजिएगा, ब्राइट इमेज होना चाहिए, कोई डार्क इमेज होना नहीं चाहिए, सही तरीके से क्लियर इमेज होना चाहिए, ब्लर्ड इमेज होना नहीं चाहिए, टोपी चश्मा पहन के फोटो मत खींचिएगा, नहीं तो इसमें रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ओके कर दीजिएगा अगर हो गया है आपका यहाँ पर सेल्फी लेना। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है पैन जो है आप लोगों को डालने के लिए बोला जाए, तो पैन कार्ड का नंबर आप डाल दीजिएगा, सबमिट करिएगा। सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है अब जो है प्रोफाइल डिटेल्स जो है यहाँ पर आपका नाम एज पर आधार, आपका नाम फुल नेम आपको डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा एज पर आधार, सब आधार के बेसिस पर। एक ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है, लोन एग्रीमेंट उसमें सेंड करेगा, तो सही तरीके का ईमेल आईडी दे दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एड्रेस जो है पूछा जा रहा है, तो आप लोग जहाँ पर रहते हो या फिर आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो वाला आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आप लोग सही तरीके से डालिएगा, लोकेलिटी डालिएगा, लैंडमार्क डाल दीजिएगा, स्टेट डालिएगा, सिटी डालिएगा, ऑटोमेटिक जो है वो ले सकता है यहाँ पर जैसे आप लोकेलिटी डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट करना, नेक्स्ट जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है वर्क का डिटेल्स पूछा जा रहा है, आप लोग जहाँ पर काम कर रहे हो वो किस तरीके का है, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर सैलरीड वाले को ही लोन मिलता है, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सैलरीड वाले को ही जो है आप लोगों को यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप लोगों को सैलरीड आप लोगों को क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रूफ मांगने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद एनुअल इनकम, आपका मंथली नहीं, एनुअल इनकम बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप एनुअल इनकम जैसे डालोगे तो ऑटोमेटिक मंथली इनकम यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम आप लोगों को बता दूँ 25,000 का मंथली इनकम होना चाहिए, उसी के हिसाब से एनुअल इनकम बैठाना यहाँ पर आ जाएगा। अब लोन का पर्पस आप लोगों को पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप मेडिकल कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी है आपका खुद का एक्सपेंस आप कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करते हैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से जो है ऑप्शन आ रहा था, जैसे एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे सैलरीड आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड आता है, होम मेकर आ रहा है, अनएम्प्लॉयड आ रहा है, तो ये सब जो है सिलेक्ट नहीं करना, आपको यही वाला सिलेक्ट करना होगा, या फिर ये सिलेक्ट कर भी सकते हो लेकिन जो है मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ये से सिलेक्ट करो, 90% चांसेस जो है इसमें है और इसमें 10% चांसेस है, बाकी का जो है एकदम 0% आप लोग समझ लो, इसमें तो मिलता ही नहीं है। तो जैसे आप इसको कर लोगे तो नेक्स्ट में आप लोग देख पा रहे हो आधार का पैन कार्ड का फोटो मांग रहे हैं, जो कि आपको लेना होगा यहाँ पर। फ्रंट का फोटो, बैक का फोटो आप लोग सही तरीके से डाल दीजिएगा, पैन कार्ड का फोटो डाल दीजिएगा, उसके बाद डन कर लीजिएगा। डन जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कुछ प्रोसेसिंग होगा, लिखा आ रहा है वी आर फेचिंग योर डिटेल्स, जिसमें टेक्स फ्यू सेकेंड्स, कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिला कुछ इस तरीके का पेज, जो कि कांग्रेचुलेशन आपको लोन मिल चुका है। अब जो है बाकी का डिटेल्स यहाँ पर होगा क्या, आपका यहाँ पर बैंक का डिटेल्स तो आपने डाल ही दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो है कुछ देर वेट करना होगा, आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसा, ठीक है। अब कितने देर तक आएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई घंटा भर बैठा हुआ हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं हो रहा है, पेंडिंग में है, रिव्यू में है। तो देखिए मेरा तो यहाँ पर जो भी है 30-40 मिनट के अंदर ही पैसा आ गया था, लेकिन आप लोगों को शायद एक घंटा भी लग सकता है, बोल नहीं सकते, उनके सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ वो एज़ पर जैसा होता है वैसा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग अप्लाई करोगे, कैसा आप लोगों को हो रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, तो सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा अप्लाई करने के बाद, ठीक है, वो तो आप ही लोग देखोगे। तो उसके लिए मैं बोल नहीं पाऊंगा पूरा कंफर्म जो कि इतना है कि आप लोग 30-40 में ही मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को मिलेगा जरूर। अगर ये कांग्रेचुलेशन का पेज मिल गया तो आप लोगों को मिल गया समझो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लोन एप्लीकेशन है इसका नाम मैं बताया था, इस लोन एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है लोक सुविधा। जी हाँ दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है जो कि लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, सॉरी इसका स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, लोक सुविधा, SU सुविधा। तो इसका जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसका नाम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो लोक सुविधा ये जो लोन एप्लीकेशन है ये अभी के टाइम में लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से जो भी एप्लीकेशन मैंने दिखाया, मतलब जो भी प्रोसेस दिखाया उसको फॉलो करना, डेफिनेटली लोन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलता रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।